अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर कर रही हूँ कोरमा बनाने की। तो 2 किलो चिकन है मेरे पास, उसका मैं कोरमा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 5 अदद बड़े साइज़ के। तो इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। जैसे ही ये ब्राउन होंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी और इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसको एक डिश में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से हो गए हैं ब्राउन, अब इनको निकाल लेती हूँ इस डिश के अंदर। प्याज तो मैंने निकाल लिए हैं एक डिश में बाहर। और अब इसी ऑयल के अंदर मैं शामिल करूंगी यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने 4 टेबलस्पून शामिल किया है क्योंकि चिकन हमारे पास 2 केजी से ज़्यादा है। तो अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। और अब इसमें यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा चिकन है, ये शामिल कर रही हूँ। और चिकन को भी अब अच्छी तरह से फ्राई करूंगी अदरक और लहसुन के साथ। और चिकन को यहाँ पे इतना भूनना है कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। लिए हैं 4 अदद बड़े साइज के टमाटर, उनका मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये डाल देती हूँ बीच में। तो यहाँ पर हम पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहे क्योंकि टमाटर में भी हमने पानी शामिल किया था पेस्ट बनाते वक्त, और टमाटर अपना भी पानी छोड़ेंगे। तो जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होता है तो फिर बाकी के मसाले बीच में शामिल कर दूंगी। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर कोरमा मसाला है मेरे पास, ये शामिल कर देती हूँ। और अब इसको मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनूंगी। और इसको इतना भूनना है कि जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए, क्योंकि टमाटर का बहुत ज़्यादा पानी था तो हम पानी बीच में बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहे। इसी पानी के अंदर हमारी चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। इसको ऊपर से मैं कवर कर देती हूँ। तो जैसे इसका पानी ड्राई होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें, इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी इसका अलग हो गया है। और अब मैं इसके अंदर कर दूंगी दही को शामिल। 1 प्याली मैंने दही ली है और दही में शामिल कर रही हूँ बीच में। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा
जायफल और जवैत्री का पाउडर डाला है, उससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कोरमे की खुशबू आएगी। तो ये मैंने शामिल कर दिया है बीच में, और दही को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लूँगी। यहाँ पर जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिए थे उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, तो वो मैंने बीच में शामिल कर दिया है जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। और अब इसको ऊपर से मैं कवर करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारा चिकन कौरमा बनकर यहाँ पर तैयार है जो कि बहुत ही मज़े का बना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।